कठिन दौर है, मैं कोई आपसे लड़ाई लड़ने नहीं आया, आपके सपोर्ट के बिना हम इस सुनिए क्या होता है जब आप हमारे फोन नहीं उठाएंगे। आपसे मेरी एक बार बात हुई कल, एक पेशेंट के बारे में बोला, पाटा जी से मेरी बात हुई, उनको बताया। अब दोनों पेशेंट के बारे में जो कहानियाँ हैं, एक पेशेंट को दोनों नाम बता दूंगा, आप दोनों उसी के बारे में बात किया। यदि संभाग के मेडिकल कॉलेज पर जहाँ पर लोगों का भरोसा है कि हम वहाँ जाएंगे हमारी दवाई हो जाएगी, वहाँ यदि इतनी बड़ी लापरवाही हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। नंबर एक, ये शिवेंद्र शर्मा जी हैं, रामरूप शर्मा जी की बाकी ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, ये डब्बू उपाध्याय जी के रिश्तेदार हैं। कल मैं आपसे भी बात किया, डॉक्टर पाठक जी से भी बात किया, और दूसरा बात किया तो मैं इनसे वीएन शर्मा से। वीएन शर्मा 4 घंटा भटकते रहे, सांस फूलती रही, अंत में उनको मैं बोल दिया कि आप तो सतना आ जाओ, मैं आपको बेटी व्यवस्था कराता हूँ। सतना बुला के हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सर मेरा नहीं, ये तो पहले सुन लीजिए, मैं आपको बता दिया जो जो उचित। मैं रीवा से सतना उनको क्यों बुलाता, रीवा क्या उनको अंत में बोला मैं कि आप सतना आइए, मैं आपको व्यवस्था कराता हूँ। फिर उनको व्यवस्था करवाए, सतना में अभी भी एडमिट है। आपसे पाठक जी से बात करने के बाद अंत में कोई उनको 2 घंटा खड़े रहे, वो आपातकाल कहाँ पे आपका सेवा है, दो हाँ 2 घंटा बाद वो बेचारे बोल दिए कि मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, अब मैं इस अस्पताल में नहीं रुकूंगा। तो मैं बोला सतना आइए, सतना में उनको एडमिट कराया हूँ, आज कुछ उनकी स्थितियाँ ठीक है। दूसरे इनके जो शिवेंद्र शर्मा का मामला है, शिवेंद्र शर्मा भर्ती किए हैं, बताओ डब्बू मेरी कहानी को लाया गया 16 तारीख को, 16 तारीख को पहले उनको एडमिट तो नहीं किया, एडमिट की है तो पहले सेकंड फ्लोर में भेजा गया, फिर बोले नहीं आप थर्ड फ्लोर में जाइए। ये करते कराते उनका ऑक्सीजन लेवल 75 हो गया, और उनको बड़ी मुश्किल से जब मैं यहाँ रमेश तिवारी जी से बात की थी, आपको भी फ़ोन किया था, तो एडमिट तो किए जनरल वार्ड में, वहाँ एडमिट कर दिए, और ICU के लिए 75 ऑक्सीजन लेवल में। ICU के लिए आपको भी मैंने कई बार कई जगह से फ़ोन करवाया, आपने ICU के लिए बोला कि ICU ले जाएंगे, ICU ले गए, ICU से वापस कर दिए। कल हमारे सतना जिले में सतना के अस्पताल में 90 इंजेक्शन मात्र गए हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, गड़बड़ कहाँ हुआ है, ये सब व्यवस्थाओं के बाद भी क्यों व्यवस्था नहीं बन पा रही, ऑक्सीजन की कमियाँ, दवाई की कमियाँ, बेड की कमियाँ, ये तमाम जो कमियाँ हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर ये बातें आती हैं कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे प्रशासन का कमिश्नर का मामला हो, ये गड़बड़ियाँ कमियाँ हैं। मैं आपके माध्यम से रीवा आकर आज तमाम औद्योगिक घरानों से को भी कहना चाहूँगा, हमारे शहडोल में मिथेन गैस निकलती है, वहाँ 16 लोग गैस के अभाव में कल खत्म हो गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुकेश अंबानी जी को भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होना चाहिए। इंदौर में 1-8 टैंकर लगातार ऑक्सीजन आना चालू हो गई, पर उनकी जिम्मेदारी बनती है हमारे यहाँ से गैस लेके तमाम बड़े उद्योग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बिंद क्षेत्र में भी जितने बिंद रीवा और शहडोल एक एक जिले पर गैस की व्यवस्था उन्हें तत्काल में करना चाहिए, अन्यथा सरकार क्या करती है मैं नहीं जानता, पर उनके खिलाफ ये जनभावना ऐसी उठेगी कि उनके पाइपलाइन को भी हम तोड़वाने का काम कर डालेंगे। ये बताई देते हैं, यदि हमारे यहाँ का आदमी गैस के अभाव में एक आदमी भी कोरोना की बीमारी से मरता है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन सतना जिले में नहीं पहुंचाए गए, क्या लगता है आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है या सतना जिले? मेरे साथ नहीं, कोई मेरा कोई मामला नहीं, मेरी कोई दुश्मनी मेरी बुराई नहीं है, ये लापरवाही अधिकारियों की, ये अस्पताल की, यहाँ के हमारा जो मेडिकल कॉलेज सतना, यहाँ के तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों की, कमिश्नर की, ये इतनी बड़ी गलती हुई क्यों? हर अस्पताल में तत्काल में व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज हर आदमी जो कोरोना पॉजिटिव होता है वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए तो मेरी जान बच जाए, अब उसमें कितना क्या है वो एक अलग मामला है, परंतु जब लोगों का भरोसा उसमें है तो हर अस्पताल में जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर से यदि इंजेक्शन भेजे गए तो कुछ ना कुछ गंभीरता तो रही, तो वो इंजेक्शन इनको तत्काल में हर अस्पताल में डॉक्टरों के हवाले कर देना चाहिए। और कल पहुंची जब मैं तमाम बातों को उठाया, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं, डॉक्टर इंदुलकर जी से मिलूंगा, कमिश्नर से मिलूंगा।